नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं सब। तो जैसा कि इस सीरीज़ का जो लास्ट टॉपिक था वो था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो हम इस सीरीज़ में बेसिकली कंप्लीट करते हैं ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। तो आज स्टार्ट करेंगे हम नए टॉपिक से, दैट इज़ द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, अ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी रेफर्स टू। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी आखिर कहा किससे जाता है? पहला क्वेश्चन है, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड है, अ रैंक और द लेवल इन द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। थर्ड है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म एबल टू इंटरब्रीड। और जो डी ऑप्शन है वो अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म बट अनेबल टू इंटरब्रीड फ्रीली। तो जैसा कि आपको पता है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी जो है वो बेसिकल जो हायरार्की होती है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, उसका एक रैंक है। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा वो हमारा बनेगा बी ऑप्शन, दैट इज़ द रैंक और द लेवल इन द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, द असेंडिंग और द डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी इज कॉल्ड। तो इसको हायरार्की ही कहा जाता है, जिसमें आपके किंगडम से लेके नीचे स्पीशीज तक जो हैं वो सारी कैटेगरीज आपके बनाई हुई हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा सी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो ये क्या कहता है, इसमें कहा है कि द टर्म टैक्सॉन इज़ यूज्ड फॉर। बच्चे जो टैक्सॉन वर्ड है वो बेसिकली जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है उसका कोई एक रैंक है, चाहे वो आप इसको जीनस बोलो चाहे स्पीशीज बोलो। वो जीनस जो है वो या स्पीशीज या आपका ऑर्डर है वो एक जो है वो टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करता है। उसका जो ऑप्शन बनेगा 39 का, दैट इज़ ऑप्शन डी। बात करते हैं 40th क्वेश्चन की तरफ, विच टर्म कैन बी यूज्ड फॉर एनी टैक्सोनॉमिकल रैंक। तो यही क्वेश्चन पीछे से घूमता रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज अ टैक्सोन। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा बी ऑप्शन। 41 क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक यूनिट और द स्मॉलेस्ट टैक्सोन ऑफ द क्लासिफिकेशन इज। तो आपको पता है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑलवेज वी कैन कॉल इट इज अ स्पीशीज। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा हमारा ए ऑप्शन। बात करते हैं 42 क्वेश्चन की तरफ, द बेसिक यूनिट अपॉन विच द सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, इट इज़ ऑल्सो स्पीशीज। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें ऐसी स्टेटमेंट बतानी है जो कि करेक्ट नहीं है बेसिकली। पहले देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी इज अक्रेंस ऑफ द वेराइटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स डिफरिंग इन द मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हैबिटाट एंड द हैबिट्स। तो ये बिल्कुल सही बात है, बायोडाइवर्सिटी की ये डेफिनेशन है बेसिकली। बात करते हैं सिस्टमेटिक्स की तरफ, सिस्टमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द कैटलॉगिंग द प्लांट्स एनिमल्स एंड द अदर ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ, क्लासिफिकेशन इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसीजर्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमनक्लेचर। तो यहाँ पे बच्चे ये जो ऑप्शन है वो हमारा गलत है, क्योंकि क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है, कैटेगराइज करना है आपने प्लांट्स को और उनको डिफरेंट जो आपकी हायरार्की है बेसिकली उनमें बेसिकली उसको फिट करना है। तो ये बेसिकली ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इसमें आंसर जो हमारा बनता है 43 का, दैट इज ऑप्शन सी सी। बात करते हैं 44th क्वेश्चन की तरफ, अमंगेस्ट ऑल द किंगडम द ओनली टैक्सोन दैट एग्जिस्ट इन द नेचर एज अ बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट। कोहेसिव होता है बेसिकली जुड़ी हुई यूनिट। तो इसमें बेसिकली ऐसा टैक्सॉन बताना है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है यहाँ पे पाई जाती है। तो ये आपको पता ही है कि स्पीशीज में बेसिकली जो हैं वो बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो 44th का जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा ए ऑप्शन, दैट इज स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, अ ट्रू स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ ए पॉपुलेशन विच इज़। आपको पता है कि स्पीशीज की डेफिनेशन ही क्या है, कि ये बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और जियोग्राफिकली आइसोलेटेड रहते हैं। बट मेनली जो है वो इंटरब्रीडिंग जो है वो बेस्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे है। तो ये इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा 45 का डी ऑप्शन। बात करते हैं 46 क्वेश्चन की तरफ, इन बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू इंटरब्रीड। तो ये तो क्वेश्चन पढ़ के ही इसका आंसर लग रहा है, पता है कि इट इज स्पीशीज। क्वेश्चन 47 की तरफ जाते हैं, मैंजीफेरा इज अ। तो आपको पता है मैंजीफेरा इंडिका जो है वो मैंगो का साइंटिफिक नेम है, तो ये जो है बेसिकली जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। बात करते हैं 48th क्वेश्चन की तरफ, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ द सिमिलर एंड द रिलेटेड।
तो आपको पता है जो भी पिछला इसका हायरार्की में रहा होगा उसी के ग्रुप को जो है वो बेसिकली जो जीनस बोला जाता है। तो बेसिकली जीनस के नीचे जो स्पीशीज आता है, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड द रिलेटेड स्पीशीज। तो इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा सी ऑप्शन। बात करते हैं 49th क्वेश्चन की तरफ। कलेक्शन ऑफ द स्पीशीज विच बियर क्लोज रिजेम्बलेंस वन अनदर इन द मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। तो फ्लोरल पार्ट्स में अगर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स की क्लोज रिजेम्बलेंस के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इट इज ऑलवेज जीनस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 50th क्वेश्चन की तरफ। 50th क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि सिलेक्ट द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कैटेगरी दैट इज जीनस। जीनस के बारे में कौन सी बात जो है यहाँ पे गलत कही गई है ये पूछा गया है। तो देखते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ असेंबलीज और रिलेटेड स्पीशीज। ये बिल्कुल सही है। अ जीनस एसेंशियली पोजेस द मोर देन वन नंबर ऑफ स्पीशीज। तो बच्चे यहीं पे ऑप्शन जो है वो ये गलत लग रहा है, क्योंकि जीनस में जरूरी नहीं है कि बेसिकली नंबर ऑफ स्पीशीज पाई जाती हैं, क्योंकि जीनस में बेसिकली मोनोटाइपिक स्पीशीज भी हैं और पॉलीटाइपिक स्पीशीज भी हैं। तो मोनोटाइपिक अगर यहाँ पे है तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसमें ऑप्शन बी जो है वो बिल हमारा जो है यहाँ पे सही बनता है। बात करते हैं 51 क्वेश्चन की तरफ। इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कैट्स आर प्लेस्ड इन द जीनस। तो आपको पता है कैट्स जो हैं वो बेसिकली फेलिस में इनको डाला गया है, और जो आपके डॉग होते हैं उनको कैनिस में डाला गया है। तो इसका ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन। बात करते हैं 52 क्वेश्चन की तरफ। इन द जोलॉजिकल नेम ऑफ द फिश कटला कटला। तो कभी भी अगर इस टाइप से जीनस और स्पीशीज एक ही तरह से आपको दिख रही हो, उनके वर्ड्स सेम तरह के हों, तो उनको टॉटोनिम कहा जाता है। उसमें ऑप्शन बनेगा हमारा बी ऑप्शन। बात करते हैं 53 क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द ऑड वन इन द फॉलोइंग सीरीज। तो बेसिकली इस सीरीज में हमें बताना है कि बेसिकली ऑड वन कौन सा है। तो सेपियंस यहाँ पे देखो स्पीशीज है, बेसिकली होमोसेपियंस आता है। अमेरिकाना, आपको पता है पहले प्लेनेट है अमेरिकाना, ये भी बेसिकली आपका क्या है स्पीशीज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हेमीडेक्टाइलिस, ये आपको पता है कि बेसिकली किसको कहा जाता है, वॉल लिजर्ट का बेसिकली जीनस है। तो ये जीनस है, बाकी तीन जो है यहाँ पे स्पीशीज हैं। तो यहाँ पे ऑड वन आउट में जो आएगा हमारा ऑप्शन डी आएगा। बात करते हैं 54th क्वेश्चन की तरफ। द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी बिलो द लेवल ऑफ द फैमिली। फैमिली के नीचे बेसिकली क्या आता है। तो आपको पता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो यहाँ पे जीनस जो है वो हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। बात करते हैं 55th क्वेश्चन की तरफ। इन द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की अ जीनस इज इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन। मतलब जीनस को किसके बीच में रखा गया है। तो हमने अभी बात की कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। फैमिली और जीनस उसके बाद आता है, और उसके बाद स्पीशीज। तो मतलब फैमिली और स्पीशीज के बीच में इसको रखा गया है। इसमें ऑप्शन बन जाएगा हमारा डी ऑप्शन। बात करते हैं 56th क्वेश्चन की तरफ। रिलेटेड जेनरा बिलोंग टू द सेम। रिलेटेड जनरा जो है वो बेसिकली किस चीज़ को बनाता है। तो ये बेसिकली जनरा से ऊपर जो है वो बेसिकली फैमिली आता है। तो इट इज़ ऑप्शन सी दैट इज़ फैमिली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। द सफिक्स वाई डी इज यूज फॉर। आपको पता है सफिक्स और सफिक्स जो है वो बेसिकली स्पेसिफाई किए गए हैं हमारे टैक्सोनॉमी में। तो बेसिकली वाई डी जो है वो बेसिकली सब फैमिली के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। इसका ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन। बात करते हैं इन द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की फैमिली इज इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन। तो ये फिर से वही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। फैमिली के बारे में पूछा हुआ है, तो ये आपको पता है ऑर्डर और जीनस के बीच में फैमिली जो है वो रखी गई है। बात करते हैं 59th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी इंक्लूड ऑल द अदर्स। बेसिकली ऐसी आपने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बनानी है जिसमें बाकी तीन ऑप्शंस भी उसी के अंडर आते हैं। तो ऑर्डर जो है वो बेसिकली यहाँ पे चारों ऑप्शंस में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। तो बेसिकली ऑर्डर जो है वो ये हमारा ऑप्शन बनता है। बात करते हैं 60th क्वेश्चन की तरफ। द नेम ऑफ द प्लांट ऑर्डर एंड्स विद। तो आपको पता है जैसे पॉलीमोनियलीज है, या इस टाइप से आपने जो है वो बेसिकली ऑर्डर सुने होंगे। तो बेसिकली ALES एलीज जो है वो बेसिकली इसका सफिक्स आता है। तो ये ऑप्शन बनेगा बी। बात करते हैं 61 क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑर्डर विल यू प्लेस द गोरिल्ला। आपको तो है गोरिल्ला जो है, या आपके जितने मैमल्स हैं बेसिकली ये किस में बिलोंग करते हैं, ये बेसिकली प्राइमेटा से बिलोंग करते हैं। तो ये ऑप्शन बनेगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन है 62। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स।
तो रिलेटेड ऑर्डर जो है वो बेसिकली आपको पता है किस में डाले गए हैं। इसमें अगर देखते हैं तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो ऑर्डर्स हैं वो बेसिकली ऑर्डर के ऊपर जो है बेसिकली क्लास आता है, तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा ऑप्शन डी। बात करते हैं 63 क्वेश्चन की तरफ। 63 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि टू ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली, दे मे बिलोंग टू। से पूछा गया है कि बेसिकली दो ऑर्गेनिज्म बताने हैं कि जो कि प्रेजेंट है बिटवीन द सेम क्लास बट नॉट इन द सेम फैमिली, दे मे बिलोंग टू द। तो ये आपको अंडरस्टूड है कि बेसिकली अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो बेसिकली वो सेम ऑर्डर में जो है बेसिकली बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन 64 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी पजेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ द रिलेटेड करेक्टर्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेटेड करेक्टर, बच्चे याद रखना कि हायरार्की में जो सबसे नीचे है बेसिकली स्पीशीज, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम करेक्टर जो है वो बेसिकली सिमिलर हैं, और जब आप हाइएस्ट ऑर्डर में जाओगे तो बेसिकली जैसे आपका किंगडम है तो वहाँ पर लीस्ट रिलेटेड करेक्टर जो है वो पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन बनेगा डी। बात करते हैं 65 क्वेश्चन की तरफ। एप्स टैक्सोनॉमिकली रिप्रेजेंट, एप्स बेसिकली टैक्सोनॉमिकली किस में आते हैं। तो बेसिकली एप्स जो है बेसिकली आपको पता है क्लासेस जो है वो बेसिकली जो बर्ड्स हैं उनके क्लासेस में आता है, तो ये बेसिकली क्लास का आंसर आएगा। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। इनकोरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बतानी है बेसिकली। तो देखते हैं बेसिकली फर्स्ट जो है इंडिका ट्यूबरोसम एंड लियो स्पेसिफिक एपिथेट है, बिल्कुल सही है। फाइजेलिया एपिस एंड हेलियंथस जेनरिक एपिथेट को बता रहा है, ठीक है। मोनोकोटिलिडनी एंड डाइकोटिलिडनी आर द क्लासेस ऑफ द डिवीजन एंजियोस्पर्म, ये भी बिल्कुल सही है। फाइलम कॉर्डेटा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमेलिया, ये ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली जो आपके आर्थ्रोपोड हैं वो फाइलम जो है वो सबसे बड़ी है किंगडम एनिमेलिया में। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बेसिकली इनकोरेक्ट है। तो हम पहुंचे थे 67th क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं टू एनिमल्स बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस। दो एनिमल जो बेसिकली सेम किंगडम के हैं बट उनकी क्लासेस डिफरेंट हैं, तो बेसिकली उन्होंने पूछा कि दे मे बिलोंग टू द सेम। तो आपको पता है कि अगर किंगडम के बाद आपकी जो नेक्स्ट हायरार्की है वो बेसिकली उसमें टैक्सोन जो है बेसिकली फाइलम है, तो ये बेसिकली सेम फाइलम से बिलोंग कर सकते हैं बट उनकी क्लासेज जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा डायग्राम दे रखा है, ये आपको पता है टाइगर का डायग्राम है। टाइगर अगर आपको पता है तो बेसिकली कॉर्डेट है, बेसिकली इसकी क्लास जो मैमेलिया है, कार्निवोरा में आता है, फेलिडी इसकी फैमिली है, और पैंथेरा टिग्रिस जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये आपको पता है कि इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो आजकल बड़े ट्रेंडी टाइप के हैं क्योंकि इनमें थोड़ा सा बेसिकली आपका इंटेलेक्ट जो है वो बेसिकली चेक किया जाता है। तो पहले तो ये आप देख सकते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की दे रखे है। सी ऑप्शन में आपका पता है किंगडम के बारे में पूछा होगा, किंगडम, फाइलम। आगे बी जो है वो क्लास है, ऑर्डर, फैमिली, और ऑप्शन ए में क्या आएगा, फैमिली आएगा। तो उनके बारे में पूछा होगा कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं। बात करते हैं ए इज़ द टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी विच कंटेन अ नंबर ऑफ द रिलेटेड जेनरा, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन ए जो है ए में बेसिकली फिट बैठता है, तो ये बेसिकली सही है। अगर बात करते हैं एग्जांपल ऑफ द कैटेगरी बी आर मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन मैमेलिया, तो ये भी आपको पता है कि ये बेसिकली किसके बारे में बात की गई है, यहाँ पे ये बेसिकली क्लासेस के बारे में बात की गई है। या अगर आपको पता है कि एंजियोस्पर्मी जो है जो डिवीजन है उसमें ये क्लासेस बेसिकली मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन आती है। बात करते हैं सी में। सी रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, आपको पता है कि बेसिकली सी में तो ये चीज़ आ ही नहीं सकती क्योंकि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बेसिक यूनिट जो आपको पता स्पीशीज होती है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है इन्होंने। एग्जांपल ऑफ द कैटेगरी सी आर द फंजाई मोनेरा एंड द प्रोटिस्टा, ये आपको पता ही है कि आर एच वेटिकर ने जो किंगडम्स बनाई थी वो बेसिकली आपकी यही सिक्वेंस था आपका, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। तो इसके ऑप्शन जो हैं वो पहला, दूसरा और चौथा जो है सही है। उसमें ऑप्शन जो बनेगा हमारा सी ऑप्शन बनेगा। इसमें करेक्ट सीक्वेंस के बारे में पूछा हुआ है, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। आपको पता है कि अगर प्लांट्स के बारे में तो ये बेसिकली डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस और स्पीशीज जो है वो सही ऑर्डर है। तो इसमें ऑप्शन बनेगा सी। बात करते हैं 71 क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द
इनकोरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बेसिकली हमें इनकोरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है, तो पहले देखते हैं जरा क्वेश्चन कि ऑप्शंस ऑल द एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला आर असाइंड टू द किंगडम एनिमेलिया, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एज वी गो हायर फ्रॉम द स्पीशीज टू द किंगडम द नंबर ऑफ द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो गलत है, क्योंकि जैसे ही हम हायरार्की में ऊपर जाते हैं तो जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेसिकली डिक्रीज होते हैं, तो इसमें ऑप्शन बनेगा बी। बात करते हैं 72 क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट सिमिलर करेक्टर्स। लीस्ट सिमिलर करेक्टर जो सबसे हाईएस्ट हायरार्की में जो सबसे हाईएस्ट पे आएगा उसके जो करेक्टर्स हैं वो बेसिकली लीस्ट सिमिलर आएंगे। तो यहाँ पे पता है आपको फैमिली जीनस और स्पीशीज जो नीचे आती है, क्लास जो है सबसे ऊपर है, तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली ये डायग्राम दे रखा है, सनफ्लावर का डायग्राम लग रहा है बेसिकली, और ये सनफ्लावर ही है बेसिकली। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसके बारे में पूछा हुआ है कि डिवीज़न, तो डिवीज़न बेसिकली जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट है वो एंजियोस्पर्म में आते हैं। क्लास इसकी बेसिकली डाइकोटिलेडी है। अगर ऑर्डर की बात करें तो ये बेसिकली जो फ्लावर इस तरह से देखते हैं जैसे स्टार लाइक अपीयरेंस होती है उसको एस्ट्रेलीज में डाला गया है, और फैमिली इसकी एस्ट्रेसी है, इसका ऑप्शन बन जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बात करते हैं 74th क्वेश्चन, बात करते हैं हम 74th क्वेश्चन में, जिसमें पूछा गया है कि बेसिकली टेबल दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट हैं आजकल, क्योंकि ये तो आपको पता है कि एनसीईआरटी का बेसिकली ये टेबल है। तो यहाँ पूछा गया है कि फैमिली जो फर्स्ट है, जैसे मैन जो है कॉमन नेम बोला गया है, फैमिली इसकी होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमिलिया, और आपको पता फाइलम जो है वो बेसिकली इसकी कॉर्डेट आती है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा ए में आ जाएगा, कॉर्डेटा। अगर बात की जाए हाउस फ्लाई की तो बेसिकली इसकी क्लास पूछी गई है। अगर आपको इसकी क्लास पता है तो बेसिकली ये बेसिकली इंसेक्टा से बिलोंग करता है, और मैंगो में फैमिली पूछी गई है तो ये एनाकार्डेसी होती है, और अगर वीट की बेसिकली क्लास पूछी गई है तो बेसिकली ये मोनोकोटिलेडनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं हम, जो फर्स्ट ऑप्शन है बेसिकली ये कॉर्डेटा, इंसेक्टा, एनाकार्डेसी एंड मोनोकोटिलेडनी। तो ये ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करते हैं 75 क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी, कौन सी जो है वो बोला कि कैटेगरी नहीं है। आपको तो एक आपका फाइलम, स्पीशीज, क्लास जो है वो बेसिकली टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में आता है। ग्लोमेसी इन्होंने ऐसे दे रखा है कि जो आपकी कोई भी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में बेसिकली बिलोंग नहीं करता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही है। बात करते हैं 76 क्वेश्चन की तरफ, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। मिसमैच्ड पेयर यहाँ पे बताना है कि पैंथरा लियो बिलोंग टू द क्लास मैमिलिया, पहली बात ये बिल्कुल सही है। मूसा डोमेस्टिका, दिस इज द नेम ऑफ द हाउस लिजर्ड अ रेप्टाइल, तो ये तो इन्होंने क्वेश्चन के साथ में जाकर रखा है यहाँ पे। मूसा डोमेस्टिका आपको पता हाउस फ्लाई को कहा जाता है, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल मिसमैच है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। बात करते हैं 77th क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स आर मेनली कंसिडर फॉर डिक्लेयरिंग अ न्यू प्लांट स्पीशीज। न्यू प्लांट स्पीशीज अगर आपको बतानी है बेसिकली, तो सबसे पहले बेसिकली इसके फ्लोरल करेक्टर जो हैं वो देखे जाते हैं, तो फ्लोरल करेक्टर जो है वो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है। बात करते हैं 78th क्वेश्चन की तरफ, मैच द कॉलम वन एंड द कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो कोड्स। यहाँ पे पूछा गया है बेसिकली कोड्स आपने मैच करने हैं, तो पहला देखते हैं जॉनरे। तो जॉनरे जो है आपको पहले पता है कि स्पीशीज के बारे में कंसेप्ट जो है वो बेसिकली जॉनरे का है, तो इसमें ए जो है वो टू के साथ मैच करेगा। अगर ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं कार्लस लिनियस, तो कार्लस लिनियस जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो यहीं से हमारे इन दो ऑप्शन से ही हमारा ऑप्शन जो है वो निकल गया है, दैट इज द ऑप्शन डी। तो ये था बच्चे ये वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट चैप्टर को अगर आप लिया जाए तो इसमें जो भी क्वेश्चन जिस भी तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। और बच्चे ये बुक जो है वो बहुत ही अच्छी बुक है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं तो फरवरी तक की बुक हम कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसके बारे में मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स।